हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी साइंटिस्ट के नाम पर जो नेम रिएक्शन है उस पर एक सीरीज़ बनाना स्टार्ट किया है, तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कोल्बे स्मिट रिएक्शन की बात करेंगे। कोल्बे स्मिट रिएक्शन जो है हरमन कोल्बे और रुडोल्फ स्मिट ने दिया है। तो इस रिएक्शन में होता यह है कि फिनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से NOH के प्रेजेंस में होगा, तो फिर हमको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जिसको एसिडिक मीडियम में रखने पर हमको एक सैलिसिलिक एसिड मिलता है। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो मैकेनिज्म लगभग कुछ कुछ हमारा राइमर-टीमेन रिएक्शन से मिलता है। तो सबसे पहले तो फिनॉल का डिप्रोटोनेशन होगा और वो फिनॉक्साइड एनायन में चेंज हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि जो फिनॉक्साइड एनायन होता है वो उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो माइनस चार्ज रिंग की ओर अंदर की ओर आएगा जिससे कि वहाँ पर फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड बन जाएगा और जो माइनस चार्ज है वो रिंग के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्योंकि अब जो रिंग के अंदर जो माइनस चार्ज है वहाँ पर माइनस चार्ज आ जाने के कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी वो उस पर वो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है उसके कार्बन पर अटैक करेगा और उसको अपने से अटैच कर लेगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे बेंजीन रिंग में अटैच हो जाएगा और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। वहाँ जो O- था वहाँ पर H+ एसिडिक मीडियम होने के कारण H+ जुड़ गया और वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो गया, और ये जो हमारा CO2 है उसमें माइनस चार्ज उसके ऑक्सीजन पे है उसको न्यूट्रल हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन से के कारण से। अब जो हमारा नया मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और एक COOH ग्रुप होगा। अगर इस पूरे कंपाउंड को बोलेंगे तो इसको कहा जाता है सैलिसिलिक एसिड, और इस सैलिसिलिक एसिड का यूज़ आपको मालूम होगा कि एस्प्रिन के प्रोडक्शन में किया जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हम इसी तरह प्रोत्साहित करते रहिए ताकि हम आगे आपके लिए और भी वीडियोस लाएं नेम सीरीज़ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।